नमस्कार दोस्तों, नेहा कक्कर ने ब्रेकअप पर गाना गाकर हिमांश कोहली को दिया करारा जवाब। तू खींच मेरी फोटो, लड़की ब्यूटीफुल, कार में म्यूजिक बजा, लंदन ठुमकदा, काला चश्मा जजदा, ऐसे जैसे बहुत सारे जो शानदार गानों को अपनी आवाज देने वाली सिंगर नेहा कक्कड़ पिछले दिनों जीवन के मुश्किल फेज से गुजरी हैं। 4 साल पहले शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया था, जिसके बाद नेहा बुरी तरह टूट चुकी थी। नेहा एक्टर हिमांश कोहली के साथ रिलेशन में थी। अब काफी दिनों के बाद वे ब्रेकअप के दर्द से उबर पाई है और उन्होंने गाना गाकर हिमांश को जवाब दिया है। नेहा ने गाया है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दरअसल हाल ही में फेमस गाने तेरा घाटा का फीमेल वर्जन रिलीज हुआ है, जिसे नेहा कक्कड़ ने आवाज दी है। ये गाना नेहा पर ही फिल्माया गया है। रिलीज के साथ ही ये YouTube पर छा गया है और 48 घंटे में इसे 90 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। नेहा ने अपने YouTube अकाउंट पर इसे अपलोड भी किया है। वीडियो में नेहा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। उन्होंने साड़ी पहनी है और वहीं नेहा ने बाल खुले रखे हुए हैं और उनके ठुमके लुक को पूरा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही नेहा को इंडियन आइडल 10 के सेट पर ही हिमांश ने प्रपोज किया था। दोनों कई बार साथ में नजर आए, वीडियो में भी दिखाई गए हैं और जो उनका गाना है वो हम सफर का ये पूरा जो वीडियो है ये YouTube पर बहुत बार देखा जा चुका है और इनका रोमांस भी आपको देखने को मिला था। लेकिन पिछले दिनों ने नेहा को बुरे तरीके से तोड़ दिया है और ऐसा ये सारी चीजें नेहा कक्कड़ की पोस्ट बताती हैं। 29 साल की नेहा कक्कड़ के गानों पर आज पूरी दुनिया झूमने लगती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जो उनकी राह रही है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी रही है। ऋषिकेश से मुंबई तक का सफ़र तय करने वाली नेहा कक्कड़ का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। नेहा 4 साल की थी तो गायिका की उन्होंने शुरुआत की थी। 2006 में पहली बार इंडियन आइडल की दूसरे सीजन के लिए ऑडिशन दिया था और फिर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। नेहा कक्कड़ उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है। बताते हैं कि ऋषिकेश के जिस स्कूल में नेहा की स्कूलिंग हुई है उस स्कूल के बाहर उनके पापा समोसा बेचते थे। नेहा बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं, लेकिन उनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। शायद इसी वजह से आज वो बॉलीवुड में उनकी इतनी बड़ा उनका नाम है और इतने फेमस गाने, इतने मशहूर गानों में उनकी आवाज़ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नेहा कक्कड़ जो है वो अपने ब्रेकअप के दुख से उभर चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो दोबारा से अपनी जो अच्छी उनकी दुनिया है, गानों की दुनिया है, उसमें फिर से लौट आई हैं। अगर आप भी ये जानकर खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज़ की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।